सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आपने फ़िलहाल में हमारे अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, बेसिकली पी सी आई के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई गई थी। तो वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, क्योंकि उन सारे ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमने सबसे पहले एनालाइज किया था और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ था हमारी टीम ने, ठीक है। सो बेसिकली में हमने इसमें सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे एंड अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अपना इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसको स्टार्ट किया था और इसके सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करना चालू किया है, जिसमें कि हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं जो कि आपको येलो से दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट मैंने कर रखा है एंड फिलहाल में अभी हम लोगों ने अपना एक लास्ट जो वीडियो डिस्कस किया है वो किया है राइट द मेथड एंड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एमाइलेज एंजाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैटालिज एंजाइम। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द कैटालिज एंजाइम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटालिज एंजाइम के बारे में। सो जो कैटालिज एंजाइम होता है बेसिकली सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड यानी पाया जाता है, ठीक है। एंड इट कन्वर्ट H2O2 इनटू H2O+O2। मींस H2O2 क्या होता है? आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H2O मींस वाटर और ऑक्सीजन, O2 मींस ऑक्सीजन। ओके, एंड दिस एंजाइम प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू इन ब्लड फॉर एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी। मीन्स ये जो एंजाइम होता है बेसिकली आपका ब्लड और टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो ब्लड में एक तरीके से एक्टिविटी होती है वो एंटी ऑक्सीडेंट की एक्टिविटी शो करता है। ओके, अगर हम बात करते अपने इसी नेक्स्ट पॉइंट की, सो इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम रिएक्टिव ऑर्गन्स स्पेसीज, ठीक है। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होती हैं, ठीक है, उससे क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉन्टेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड टेट्रामर, ठीक है। सो ये क्या करता है कि बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को कॉन्टेन करता है और ये जो कहलाती है वो आपका टेट्रामर कहलाती है। ओके, एंड ईच चेन कॉन्टेंट ऑफ मोर देन 500 अमीनो एसिड। मीन्स जो प्रत्येक चेन होती है, ठीक है, इसमें 4 पेप्टाइड चेन होती है, तो एक जो चेन होती है बेसिकली आपका एक चेन जो होती है मोर देन 500 अमीनो एसिड कंटेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न ओवर द कैटालिज इज हाईएस्ट, आर कैटालिज कैन कन्वर्टेड मिलियंस ऑफ H2O2 इनटू H2O एंड O2। मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और जो इसका वर्किंग पीएच है, मींस जिसमें इसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी आती है, गुड एक्टिविटी आती है, बेटर एक्टिविटी आती है, वो जो पीएच है वो इस पीएच में आती है यानी 6.8 to 7.5 में। ओके, अब अगर बात कर लेते हैं इसके सोर्स की, सो बेसिकली ये जो एस्परजीनियस नाइजर, एस्परजीनियस, ठीक है, इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अभी आगे भी पढ़ेंगे। ये स्पेसीज होती है, ठीक है। एस्परजीनियस नाइजर कॉमर्शियल प्रिपरेशन के लिए ये स्पेसीज सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है, तो एस्परजीनियस नाइजर होती है, ठीक है। एंड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मींस जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है यानी इससे टीवी कॉज होती है, ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये भी एक स्पेसीज है। देन स्टेप्टोकोकस एस्परजीनियस फ्यूमिगेटर्स, ओके, यही एस्परजीनियस आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है। एंड स्यूडोमोनास यूरोजीनोसा, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मोनोफंक्शनल हीम कैटालिज एंड द सेकेंड वन इज कैटालिज पर ऑक्साइडेज। ओके, देन
नॉन हीम कैटालेज एंजाइम, ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ द कैटालेज एंजाइम। अब जो अपना टॉपिक जिससे स्टार्ट है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ कैटालेज, हाउ कैन बी प्रिपेयर और प्रोडक्शन ऑफ द कैटालेज एंजाइम। सो देखिए, इसके ये पॉइंट हैं, बेसिकली फोर पॉइंट्स होते हैं जब भी आप किसी भी एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये फोर कॉमन पॉइंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स सबसे पहले आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जिससे आपको कैटालेज मिल सकता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट मीडियम प्रिपरेशन, मीन्स मीडियम को फिर आप प्रिपेयर करेंगे, देन प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका रहता है रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन, फिर उसको रिकवरी करेंगे और उसको प्योरीफाई करेंगे, देन आपका एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिलेक्शन, सो सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए, अगर बात करते हैं बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया में आपकी ये स्पीसीज आती हैं, कौन कौन सी, स्यूडोमोनास, ठीक है, एरोजिनोसा एंड बैसिलस सेप्टाइटिस, देन स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, ये सारे आपके बैक्टीरिया के लिए आते हैं। अगर फंगी से हम लोग इस चीज़ को निकाल लें, तो हमारा आएगा फंगी के लिए एस्परजीनस फ्यूगिगेटस, ओके, फ्यूमिगेटस, ओके। एंड अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर इसी स्पीसीज की, तो कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, ये आपकी दो स्पीसीज है फंगी के लिए। अब अगर बात कर लेते हैं मीडिया प्रिपरेशन की, नेक्स्ट स्टेप मीडिया प्रिपरेशन, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कार्बन सोर्स की जगह हम लोग ग्लूकोज और स्टार्च का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सोर्स मीडिया प्रिपेयर करने के लिए, बेसिकली सोर्स मीडिया प्रिपरेशन का मतलब है जो आप वायरस या जो भी आप ले रहे हैं, बैक्टीरिया या वायरस जो भी आप ले रहे हैं या फंगी, इसको हम फिर से देख ले रहे हैं एक बार। देखिए, इसके बाद हम लोग रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम लास्ट स्टेप देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, इसमें लोग फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम लोग माइक्रोबियल सेल्स को रिमूव कर रहे हैं बाय मीडिया से, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग सेल जो है उसको सस्पेंडेड कर रहे हैं विथ मेंटेन पीएच 7, यानी 7 पीएच को मेंटेन करके इसमें हम लोग सेल्स को सस्पेंड कर रहे हैं बाय एडिंग 50 mm फॉस्फेट सल्फर, ठीक है, मीन्स सल्फर, ओके, यहाँ सल्फर होगा, सफर नहीं, ठीक है, फॉस्फेट सल्फर को ऐड करके, देन इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं विथ 300 ppm, ठीक है, बाय लाइजो एंजाइम को यूज करते हुए, और उसके बाद इसको हम लोग इक्यूबेट कर देंगे फॉर 1 hour एट 30 degrees Celsius पे, और सेल आपकी लेसेस हो जाएंगी, ओके। एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्टर्ड विथ ट्रीटेड विथ डाइजोटीमेसियस अर्थ, बेसिकली इसमें हम लोग इसको इससे ट्रीट कर रहे हैं, देन इसको हम लोग पॉज कर एक तरीके से पॉज थ्रू कर रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स से, देन हम लोग एंजाइम जो होता है उसकी पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन बन जाता है, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं अमोनियम सल्फेट को, ठीक है, देन इसको हम लोग ट्रीट करते हैं विद 0.5 mm NaCl इज फॉस्फेट बफर, है ना, NaCl 0.5 का फॉस्फेट बफर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, देन इसका प्योरीफिकेशन हो रहा है, ठीक है, प्योरीफाई प्रिपरेशन बाद डिसल्टेड बाय डिलाइसिन मेम्ब्रेन अगेंस्ट 50 mm फॉस्फेट बफर्स यूजिंग सेलुलोज ट्यूब्स, ओके, देन इसको हम लोग लेबलाइजेशन कर रहे हैं, यानी फ्रीज डायर में हम लोग इसको लेबलाइजेशन कर रहे हैं, फिर हमारे क्रिस्टल ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशन है बेसिकली में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, जो इसके एप्लीकेशन है उसके लिए आपको हमारी फर्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, एंजाइम की प्रिपरेशन वाली, एक तरीके से नॉर्मल कॉमन प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम की, तो उसमें जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन देख सकते हैं, सारे सेम ही रहते हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम हैं उसके सबके एप्लीकेशन वही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका कई जगह पे फूड इंडस्ट्री पे, है ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे, कई जगह इंडस्ट्री पे इसका यूज होता है, लेकिन फिर भी आप जाके एप्लीकेशन वहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, और हाँ, नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।